भानगढ़ के अंदर ना एक बालाजी का मंदिर है। तो गाइस अपना आ चुका है पराठा और दही जो होती है, क्योंकि और ये जो जाकी निकल रही है ये सीधा जा रही है बालाजी। तो गाइस देख रहे हो यार, अचानक बारिश आ गई सडनली। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। जैसे कि आज हम भानगढ़ में, हमारा है दूसरा दिन। सुबह का जो टाइम हो चुका है वो बज गए हैं 10। सुबह उठे थे काफी लेट, 9 बजे, क्योंकि रात को सोते सोते थोड़ा लेट हो गए थे। अभी उठे हैं हम, रेडी हो चुके हैं, बस सुबह अभी जाएंगे नीचे। होटल के अंदर ही रेस्टोरेंट है, अभी वहाँ जाके खाएंगे हम, ब्रेकफास्ट करेंगे। एक चीज और है कि यहाँ पे जैसे कि भानगढ़ के अंदर ना एक बालाजी का मंदिर है, बहुत ही मोस्ट फेमस मंदिर है। जैसे सावन का महीना होता है, सावन के महीने में जो एंड का जो मंगलवार आता है ना, कुछ एंड के मंथ में जो जो भी मंगलवार हो ये डिसाइड करते हैं जो गांव वाले, तो यहाँ पे एक जुलूस निकाला जाता है। तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे लेट लेट कर माथा टेक कर जमीन पर और जाते हैं बालाजी के मंदिर, वो मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा। तो चलो गाइस, पहले सबसे पहले हम करते हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद फिर हम रेडी होके निकलते हैं घर के लिए। तो गाइस अपना आ चुका है पराठा और दही, बस सबको इसको खा के फटाफट निकलते हैं। और वरुण भाई तो शुरू हो गया भाई, कैसा टेस्ट? बढ़िया। तो चलो गाइस जल्दी से खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं दिल्ली के लिए। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी जुलूस निकल रहा था ना, कि जो झांकी निकल रही है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है। और आप भी देखना, मैं तो शॉक रह गया कि मैंने पहली बार देखा है ऐसी चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि और ये जो झांकी निकल रही है ये सीधा जा रही है बालाजी, बालाजी के मंदिर जो के है भानगढ़ के अंदर। भाई जाने का टाइम आ गया है गाइस, देख रहे हो क्या देख रहे हो? ब्लैक लुक, ब्लैक पे ब्लैक। तो निकलते हैं, अब सामने का नजारा देख लो यार, मजा आ रहा है वैसे देखने में। गाड़ी में बैठ के ज्यादा मजा आता है ना, बाहर ठंडा ठंडा बाहर निकलते ऐसे सड़ जाएगा बंदा, इतनी गर्मी है इस टाइम, बहुत गर्मी है। मतलब की ऐसे है कि सन बर्न होने के चांसेस है पूरे पूरे, इतनी ताबड़ तोड़ वाली गर्मी है, स्किन को खा रही है। तो यहाँ पे वैसे आने का टाइम जो बेस्ट टाइम है ना, वो अक्टूबर के बाद ही है, अक्टूबर से लेके मार्च तक। कभी भी आओ और फुल एंजॉय करो यहाँ के, और भानगढ़ के भूतों के साथ मिलो, उनके साथ बैठ के डिनर करो, लंच करो। जो फेक वाले भूत है जो यूट्यूबर्स ने इतना पागल बना रखा, फालतू का हवा बना दिया है, और खासकर जो यूट्यूबर जिसकी मैंने वीडियो देखी क्रेजी XYZ, अरे इतना फेक, इतना फेक। तो इसलिए मैं ये सब चीजें को ना, मैंने उसकी वीडियो देख कर ही मैं यहाँ पे आया था कि मैं देखूंगा यार होता क्या है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी निकल चुके हैं हम दिल्ली के लिए, अपनी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट और निकल चुकी है। तो गाइस अभी हम रुके हैं CNG डलवाने, और सामने है अपने वरुण भाई की गाड़ी और CNG डलवा रहे हैं, उसके बाद हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। और अभी शायद हम जाएंगे मुंबई एक्सप्रेस जो हाईवे नया बनाया है, आई थिंक हम उस रूट से जाएंगे हाईवे पे। तो गाइज अभी हमारे पास सामने जो है जो टोल टैक्स, जो मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का टोल टैक्स है, और ये सीधा जाएगा दिल्ली के लिए। तो अभी जो हम मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे पहुंचे हैं, ये शायद कितना टाइम हो गया इसको बने हुए? 6-7 महीने हो गए हैं, और हम पहले यूट्यूबर हैं जो नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ, हम पहले नहीं है। तो बहुत लोग आ चुके हैं यहाँ पे, बस मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे इस मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे। तो बस अभी चलते हैं यहाँ पे और यहाँ का रास्ता देखते हैं, बस नज़ारा है, सड़कें अच्छी बनी हुई है, साफ सुथरी। वैसे भी जितने भी हाईवे होते हैं ना, सड़कें बहुत मस्त होती हैं, बिल्कुल प्लेन होती हैं, कोई ऊपर घाबड़ रास्ता नहीं, और कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, कुछ नहीं होता यार। ये जैसे लखनऊ का एक्सप्रेस हाईवे है ना, वैसा ही है सीधा, वो तो और भी मस्त है।
गाइस ये है सामने पूरा हाईवे जो मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बनाया और यहाँ पे है जो फूड कोर्ट और ये सामने देख सकते हो आप फूड कोर्ट नया बनाया ये सारा और सामने है पेट्रोल पंप यमुना एक्सप्रेस और लखनऊ हाईवे पे जैसे जो चीज़ें बनी है ना वैसी सेम टू सेम यहाँ पे भी है। तो अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं चाय पीने के लिए 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे क्योंकि सुबह चाय नहीं पी थी दही दही और जो हमने खाया था यार आलू के पराठे तो अभी चलते हैं अंदर और चाय पीते हैं। तो कुछ अंदर रेस्टोरेंट का नज़ारा ये है अभी न्यू ओपन हुआ है तो सारा अच्छा अच्छा लग रहा है। तो गाइस देख रहे हो यार अचानक बारिश आ गई सडनली। अभी पीछे जब हम फूड कोर्ट रुके थे मौसम देखा होगा आपने कितनी गंदी धूप निकली हुई थी और अब देखो अचानक सडनली मौसम चेंज और बहुत तेज आ रही है बारिश और सामने देखते हो पूरे बादल काले हो रखे हैं एकदम से है ना काले बादल हैं चलिए आगे आगे ना बहुत तेज़ बारिश है और मौसम एकदम सडनली चेंज हो गया और यहाँ पे देखो ये होते हैं कुदरत के नज़ारे। अभी पीछे लगा लो कि 2 किलोमीटर शायद 2 या 3 किलोमीटर पीछे धूप निकली हुई थी इतनी गंदी धूप कड़क वाली और अब एकदम से सडनली मौसम चेंज हो गया तो अच्छा हुआ कि हम गाड़ी पे आ गए वरना हमारा प्लान था बाइक पे आने का। अच्छा हुआ कि नहीं आए हम बाइक पे वरना यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ें भी नहीं है कि जहाँ पे हम खड़े हो सकते पूरे गीले होकर जाते अच्छे से कंटिन्यूसली चल रही है अपनी ड्राइव पहुँचते हैं सीधा दिल्ली के लिए भाई आराम से ज़रा जल्दी नहीं है भाई ज़रा जल्दी नहीं है आराम से। ये वो ये पानी है बीच में अभी तो कहता हूँ ये मारुति की गाड़ी है ना ये हिल जाती है पानी में भी। तो गाइस मुंबई एक्सप्रेस हाईवे ख़त्म हो चुका है बहुत ही जल्द हम पहुंच चुके हैं गुड़गांव में और ये रास्ता काफ़ी अच्छा है मतलब शॉर्टकट है टाइम की बचत है और दूसरी बात है कि यहाँ पे बाइक्स वगैरह टांगा रिक्शा वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है बाइक भी अलाउड नहीं है वहाँ पे ओनली खाली ट्रक बसेस और हो गया अपना गाड़ी सिर्फ ये अलाउड है बस। काफ़ी अच्छा था एक्सप्रेस हाईवे जो था मुंबई वाला और अभी कितना हमारा टाइम कवर हुआ होगा कम से कम 1.5 घंटा हमारा बचा होगा है ना 1.5 घंटा हमारा बचा होगा जो हमारा इस रास्ते सेफ हुआ जो तो बस अभी लगा लो कि हार्डली 1 घंटे का और सफ़र रह गया जो घर तक का तो जल्दी से जल्दी चल पहुंचते हैं घर और करते हैं इस वीडियो को एंड। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर और अभी तो वरुण का जो घर है कितने किलोमीटर होगा यहाँ से 12 किलोमीटर है क्योंकि ये मतलब कि रोनी सेट में रहता है रोनी सेक्टर 24 तो मेरा घर फिलहाल आ चुका है अभी करते हैं इसको अलविदा और बाय बाय करते हैं अभी नेक्स्ट टूर देखते हैं हम कहाँ बनाते हैं जल्दी से जल्दी बनाएंगे नेक्स्ट टूर दोनों ही जाएंगे है ना कुछ इंटरेस्टिंग होगी जो वीडियो होगी नेक्स्ट जो आने वाला व्लॉग है मेरा तो अभी चलते हैं जल्दी से इसको ओके बाय टाटा करके और घर पर पहुँचते हैं सीधा। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं घर पे वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। आई होप कि मेरी वीडियो जो भानगढ़ वाली है आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करना शेयर करना और कमेंट जरूर करना कि सच्ची में भूत प्रेत जो है वो होते हैं कि नहीं होते हैं। मैंने तो आप लोगों को प्रूव कर दिया कि कुछ भी नहीं होता खाली अंधविश्वास है और कुछ नहीं है थोड़ा उसको उस जो किला है उसका वहाँ पे टूरिज्म बढ़ाने के लिए बस ये कुछ कहानियाँ बनाई गई हैं मनगढ़ंत कहानियाँ और कुछ जो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो कुछ यूट्यूबर्स हैं अपनी चैनल को फेमस करने के लिए मतलब मनगढ़ंत कहानियों को और इन्होंने प्रोवोक किया है इसलिए इन लोगों की बातों में ना आए और ऐसी वीडियो को देख के ज़्यादा ऐसे मत सोचे कि भूत प्रेत होते हैं कि बहुत कुछ वैसा होता है ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे इसलिए मैं ये क्लियर करने के लिए वहाँ पे गया था और ये मैंने वीडियो खास आप लोगों के लिए बनाई है कि जागरूक करिए ऐसी फालतू के अंधविश्वासों वाली बातों पर ना आए। चलो करते हैं इस वीडियो को एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे जय हिंद।